टुडे इज संडे और संडे होता है फंडे, बट एज यूजुअल हमारा होता है लर्न डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जब हम लोग एक्सेल में डेट्स में काम करते हैं तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा अनकॉमन फंक्शन एक्सेल में जिसमें हम डेट्स में स्मार्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट कैलकुलेशंस, जैसे मैच्योरिटी डेट हो गया, कोई एक्सपायरेशन डेट हो गया। तो आज इस फंक्शन को, इस अनकॉमन फंक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शंस काफी सारे लोग जानते भी नहीं है, अगर आप जानते हैं तो यूज नहीं करते, बट इस फंक्शन को यूज करके आप काफी सारे टाइम को सेव कर सकते हो और डेटा एक्यूरेट ला सकते हैं। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि इस फंक्शन से कैसे हम डेट में स्मार्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे स्मार्ट डेट कैलकुलेशन इन एक्सेल। जब हम लोग डेट्स की बात करते हैं तो एक्सेल में काफी सारे फंक्शंस आते हैं जो हम डेट्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा अनकॉमन फंक्शन जो ज्यादातर लोग सुने नहीं होंगे, यूज नहीं करते होंगे, एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस फंक्शन कैन क्रिएट वंडर्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ई डेट फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे ई डेट फंक्शंस के कुछ कैलकुलेशंस एंड हाउ इट्स गोइंग टू कैलकुलेट बेस्ड अपॉन द डेट्स इन एक्सेल। एज एन एग्जाम्पल, ई डेट करता क्या है? ई डेट इज बेसिकली रिटर्निंग द सेम डेट इन द कंसेक्यूटिव कोई भी मंथ। लेट्स से मुझे एक मंथ आगे का डेट चाहिए, या एक मंथ पीछे का डेट चाहिए, या दो साल के बाद का डेट चाहिए, एंड इन द सेम डे। सो हेयर आई हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहां पर मैंने किया 1st March 2021। मुझे क्या करना है, सेम डेट के एक मंथ आगे का डेट चाहिए। सो वन मंथ अहेड, so equals to e date, this is showing the start date, comma months में कर देता हूं इसे, bracket close, now this is showing 1st April 2021, because यहां पर 1st March थे, तो 1st March के एक महीने बाद का date है 1st April 2021। अब जब मैंने एक महीने की बात किया तो आपके दिमाग में ऐसे questions आ सकता है कि we can do using adding 30 days या 31 days, but ये smartly handle करेगा काफी सारे चीजों को, मैं आपको दिखाता हूं। अब मुझे क्या करना है, एक महीने का पुराना डेट चाहिए, जैसे 1st मार्च 2021 है, एक मंथ पिछला क्या होगा, 1st February 2021। सो माइनस वन, वी कैन यूज माइनस ऑल्सो, लेट अस कॉपी द सेम फॉर्मूला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दिस इज शोइंग 1st February 2021। अब मैं आपको दिखाता हूं अगर तीन महीने बाद का डेट चाहिए, दिस इज शोइंग 31st January 2020। नाउ लेट अस गो विद दिस 3 months। अब देखिए यहां पर क्या मैजिक होता है, आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम फॉर्मूला टू दिस वन। अब ये क्या आ रहा है, 31st January के बाद अगर 3 months की बात करेंगे, सो आपके 30th April आ रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 1st May आना चाहिए, बिकॉज अप्रैल आपके 30 days का होता है। इसके हिसाब से अगर मैं 3 महीने आगे का बताऊं तो 1st May आना चाहिए, बट इट्स नॉट कमिंग, इट्स शोइंग द 30th April। मतलब ये स्मार्टली हैंडल कर रहा है, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशंस की बात करूं 3 महीने के बाद का, सो इट शुड कम 1st May, बट 31st January था, तो एक्सेल हैंडल कर लेता है कि 31st January के 3 महीने के बाद का मतलब हुआ कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, सो दैट इज शोइंग 30th April। ऑसम, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 31st जनवरी 2021 है, अगर मुझे एक मंथ के बाद का डेट चाहिए, लेट अस सी, सो कंट्रोल डी कर लेता हूं या कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए किस तरह से ये हैंडल कर रहा है, दिस इज शोइंग 31st January 2021, और एक मंथ के बाद का डेट आ गया जो लास्ट डे था फरवरी का, दैट इज 28th February 2021। मीन्स वी कैन गेट द लास्ट डे ऑफ फरवरी, दिस इज स्मार्ट इन हैंडलिंग लास्ट डेट ऑल्सो, जैसे हमने यहां पर देखा था, वी हैव सीन अनदर एग्जाम्पल। अब एक और मैजिक देखते हैं, 31st January 2020, देखा आपने यहां पर एक मंथ के बाद का डेट क्या है, दिस इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द लीप ईयर। 31st January 2020 है, एक मंथ के बाद होगा फरवरी, एंड फरवरी इज द लीप ईयर ऑफ 2020। सो देखा आपने किस तरह से 29th February कर दिया, ऑटोमेटिकली ये टेक केयर कर रहा है लीप ईयर, लास्ट डेट एंड एवरीथिंग, एंड वी कैन इवन एड नंबर ऑफ मंथ्स। तो मैं यहां पर एक साल के बाद का डेट देखना है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज 12, एंटर। सो ऑटोमेटिकली इट्स स्पीकिंग द फॉर्मूला। एक्सेल का एक डिफॉल्ट नेचर है कि जब हम लोग रेगुलर एक काम करते रहते हैं तो उसमें फॉर्मूलाज फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज को कॉपी नहीं किया है, इट्स ऑटोमेटिकली टेकिंग केयर ऑफ द फॉर्मूलाज।
So 1st April 2020 and after 12 months is showing 1st April 2021. We can even go with this one. Let us suppose मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 36. So it will show a date after 3 years. So this is how we can use e-date functions. तो मैं आपके लिए comments update कर देता हूँ 1 month after, 1 month before. Now this was 3 months after, 3 months after. यहां पर क्या है, this is getting the last day. We get the last day of Feb. Now this is smart in handling last date like this. This is taking care of the leap year. Leap year is automatically handled. Simple. Now year is automatically incremented. So I prepared a notes for you ताकि जब इसको आप refer करो so you have a handy notes ताकि आप देख सके और calculate कर सके. So we have seen the example of e-date functions. Excel में आप काफी सारे date के functions use करते होंगे but this is one of the missing functions जो हम लोग normally use नहीं करते. So from today onwards you can use this function in your date calculation. So friends, I hope you enjoyed this trick and I am sure you will implement this trick in your offices. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.